कोविड-19 से निपटने के लिए दिन रात काम कर रही, लेकिन फिर भी अभी तक दैत्य वायरस को हराने में दुनिया को कामयाबी नहीं मिली। अभी तक के मामले पर गौर करें तो कोविड-19 के सामने दुनिया असहाय नजर आ रही, और आंकड़ों पर गौर करें तो अभी तक इस वायरस से लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग इसकी जद में। ऐसे में दुनिया के देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसी बीच भारत भी अपनी क्षमता के हिसाब से दुनिया के गरीब देशों की मदद कर रहा है और खुद देश के लोगों से मदद मांगकर अपने देश की जनता को बचाने का काम कर रहा है। लोग बड़े शौक से पीएम केयर फंड में भी पैसे दे रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की गोपा मऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने अपनी विधायक निधि से कोरोना फंड में 25 लाख रुपए दिए। अब वो इन पैसों को वापस मांग रहे हैं। इसको लेकर विधायक जी ने हरदोई जिला प्रशासन को एक पत्र भी लिखा और कहा कि उनके दिए गए पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिसके चलते उनकी विधायक निधि का पैसा वापस दिया जाए। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश का आरोप है कि उनके द्वारा दी गई विधायक निधि का कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बार बार कहने पर भी प्रशासन द्वारा पैसों का कोई हिसाब भी नहीं दिया जा रहा। ऐसे में विधायक ने कहा कि उनके द्वारा पूर्व में निर्गत की विधायक निधि की राशि को तत्काल वापस उनकी निधि के खाते में भेज दिया जाए, ताकि इसका इस्तेमाल जनहित के अन्य कार्यों में किया जा सके। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बताते चलें कि हरदोई जिले में सबसे पहले गोपामऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने कोरोना संकट के लिए अपनी विकास निधि से 25 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। उन्होंने अपनी निधि का प्रयोग विधानसभा क्षेत्र की जनता को कोरोना से बचाव के लिए इंतजामों पर खर्च करने की बात कही थी, लेकिन बाद में विधायक ने निधि से दिए गए 25 लाख रुपए से कोरोना से निपटने के लिए विभिन्न उपकरण और सामग्री खरीदने के संबंध में संशोधित पत्र भेजा था। अब विधायक जी के पत्र से प्रशासन असमंजस में, देखना होगा कि आगे प्रशासन क्या कदम उठाता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इस बात से खुद बीजेपी और बीजेपी विधायक की भद पिट रही है और लोग विधायक की करतूत पर खूब हंस रहे हैं।